पेंद। 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 अभी हम लोग बनाएंगे टू मिनट कॉफी टू, टू मिनट कॉफी बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत कम चीजें इसमें यूज होती हैं सिर्फ ये आप लोग कोई भी प्लास्टिक बॉटल ले लें जो भी खाली पड़ी हो मेरे पास ये दो पड़ी हुई है जिसमें से मैंने ये ले लिया तो आप लोग जो है ना वो कोई भी निकालें ठीक है इसके बाद ना आप अपना फ्रॉथर जो होगा निकाल के फेंक देंगे इवन की कॉफ़ी मशीन भी जो है आपको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वाली कॉफी जो मैं आपको बनाना सिखाने लगी हूँ ना ये इससे अच्छा ज़्यादा अच्छा फ्रॉथ बनाती है और बहुत ही जबरदस्त होती है जो कि कॉफ़ी मशीन एक रोला होती है उसे आपको साफ़ भी करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और इसको इसका तो कोई भी फ़ायदा ज़्यादातर होता नहीं है सिर्फ फ्रॉथ बनाने के काम आता है टेस्ट बिल्कुल जो है वो बस नॉर्मल जैसे होता है वैसा होता है लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आ हाँ 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 ये आप लोगों ने बस मेरा अंदाज चेक करना मैं कैसे फेंकूंगी और फेंकूंगी उन्हें बस शॉट लेने के लिए ए फ्यू मोमेंट्स लेटर और ये मैं इधर रखती हूँ और इसमें से जो है हम लोगों को चाहिए ऑलपर्स सो दे इट आउट बस ये इसकी कमी थी बैक टू इट्स प्लेस अभी जो है इधर से कॉफ़ी निकालनी है ये फिलहाल मैं ने कैफे क्लासिक यूज कर रही हूँ कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो सिर्फ एस्प्रेसो शॉट बनाएंगे फिर उसके बाद जो है मैं बताती हूँ क्या क्या करना है ये उठा लिया कपो जी पानी ही ख़त्म है यार जिस दिन कुछ करना होता है सब कुछ एक साथ कैसे ख़त्म हो जाता है टैप वाटर ही ले लिए और अब इसको गर्म करेंगे यहाँ से टाइम हो जाता है सब कुछ बताने का तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है और यहाँ पे मैं जहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ जिस रूम में वहाँ पे एक मच्छर घूम रहा है और वो मेरे खून चूसने के लिए तैयार बैठा हुआ है खैर उसको इग्नोर करते हुए बताती चलूँ कि आप लोगों ने जो है अगर चीनी ज़्यादा लेते हैं तो दो चम्मच एक चम्मच कॉफ़ी डालेंगे तो दो चम्मच आपने चीनी डालनी है अगर आप लोग ज़्यादा पीते हैं तो क्योंकि मैं चीनी कम पीती हूँ तो इस वजह से मैंने एक कॉफ़ी और एक जो है चीनी का चम्मच लिया था एक एक ठीक है तो आपने क्वांटिटी मैंने बता दी है कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है अब बारी आ जाती है हमारी कॉफ़ी मशीन एंड फ्रॉथर को रिप्लेस करने की विद द सेवन अप बॉटल तो आप लोगों ने जो है कोई भी प्लास्टिक बॉटल लेनी है जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्ट में भी बता दिया था तो उसके बाद आपने क्या करना है जो भी आपने वो जो एस्प्रेसो शॉट बना के रखा हुआ है वो आप इसमें डाल देंगे और इसमें डालने के बाद आप अच्छे से ढक्कन लगाएंगे उसको क्लोज करेंगे और शेक 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 कम शेक लग जाएंगे ठीक है इसको आप इतना हिलाएंगे कि आपको वो गाना याद आ जाना चाहिए कि शकीरा से भी ज़्यादा तेरा हिले लकनी ओके वो वाला सस्ता जोक बट प्लीज़ एक बहुत ज़्यादा शेक करना है बहुत स्पीड में और इसको अप्रोक्सीमेटली दो मिनट तक आ, नहीं अप्रोक्सीमेटली नहीं सॉरी मिनिमम जो है वो दो मिनट तक और मैक्सिमम जो है वो पाँच मिनट तक जो है वो आप शेक करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे मेरी तरह एक से दूसरी जगह पर जाएँ दूसरी से तीसरी जगह पर जाएँ और साथ में बॉटल लेकर फिरते जाएँ और अगर कोई पूछे कि ये क्या चल रहा है तो आपने उसको बताना है जैसे ज़िंदगी उलट पुलट चल रही है वैसे ही मैं जो है वो बॉटल उलट पुलट करके बना रहा हूँ ये है उल्टी पुल्टी कॉफी ऐसे बता सकते हैं आप लोग कुछ भी बता सकते हैं ओके okay? ये मेरा था कि मैं क्या बताती हूँ अच्छा जी जैसे आपकी फ़्रॉथ जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी इसके ऊपर ये थोड़ी सी ऐसी शॉट नज़र आ रही ना बाकी पूरी फ्रॉथ बन चुकी है फिर आप कोई भी मिल्क ले लेंगे लेकिन फुल फैट क्रीम वाला लेंगे क्योंकि उससे जो है ना वाह क्या क्रीमी क्रीमी कॉफ़ी का मजा आता है तो मैंने ऑलपर्स लिया है आप कोई भी ले सकते हैं वैसे ऑलपर्स ले लीजिएगा ठीक है लेकिन अगर आपका दूध वाला जो है वो बिना पानी मिलाए जो है आप लोगों को दूध दे के जाता है तो आप लोग वो दूध यूज़ कर सकते हैं ओके नो no इश्यूज़ आप लोगों ने जो है वो दूध का आधा ग्लास भर लिया सिर्फ आधा भरना है पूरा लालच नहीं करना कि पूरा भर लेना है क्योंकि उससे हमें काम है इसलिए आधा ही भरना है और आधा खाली छोड़ के उसके अंदर हम एस्प्रेसो शॉट जो हम लोगों ने अपना उसकी पूरी फ्रॉथ बनाई थी वो हम ऐड करेंगे लेकिन ये जो मैंने बनाया ना जितनी क्वान्टिटी ये मुझे दो दिन तक चल जाता है इसलिए मैं इसमें उतनी ही ऐड करूँगी जितना मेरा आधा कप जो है वो फिल अप हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो है वो फिलअप हो गया और वो लेयर्स चेक करें कैसे नीचे आ रही हैं वाह जैसे जैसे ये स्लाइड डाउन करेगा और इसकी लेयर्स जो है वो नीचे की तरफ आएंगी तो आप लोग देखेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा जो कि बड़े मज़े का लगता है और फ्रॉथ ऊपर चेक करें और अगर आप लोगों ने कभी वो जो इटली में व्लॉग्स होते हैं ना उसकी क्योंकि इटली में भी बहुत लोग कॉफ़ी पीते हैं तो उन लोगों का अगर देखा होगा तो उसके ऊपर वाइट कलर की फ्रॉथ आती है जो कि मैं अभी आगे आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कैसे ये कलर जो है वो चेंज करके वाइट कलर हो जाता है ओ गॉड मैन रेस्टोरेंट की कॉफ़ी जो होती है ना वैसी आप लोगों को ना रेस्टोरेंट की सॉरी कैफे की कैफे की कॉफ़ी जो होती है ना वो आप लोगों को ना याद आ गई तो मेरा नाम तो यही रहेगा लेकिन फिर भी अच्छा जी ये कॉफ़ी आप लोगों ने बनानी है और पीनी है क्योंकि अब ये वाली कॉफ़ी मैंने बनाना सिखा दिया क्योंकि मैं बहुत अरसे से कह रही थी आप लोगों को मैंने बनाना सिखानी है ताकि सामिया स्कॉट जो है जैसे ही मैं अपना अपलोड करूँगी वीडियो लाइक व्लॉग अपलोड करूँगी आप लोग भी कॉफ़ी लेके बैठे होंगे पी रहे होंगे मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो ये लाजिम कर लीजिएगा ठीक है ना अच्छा अब इसका हिलम विलम फिर से स्टार्ट हो जाना है और हम लोगों ने इसको काफ़ी देर तक मिक्स करते रहना जब तक कि ये फ्रॉथ पूरी ऊपर से अपना कलर चेंज करके वाइट नहीं हो जाती अगर आप स्पून से करना चाहते हैं योर चॉइस मैंने ये स्ट्रॉ डाला हुआ था प्लास्टिक स्ट्रॉ तो मैं इसी से करी थी ये लुक कैट इट फ्रॉथ चेंज हो गया ना कलर इसने सारा चेंज कर लिया अच्छा आप लोगों ने ना मुझे कमेंट करके बताना है कि कॉफ़ी मशीन या फ्रोथर से इस तरह का कलर चेंज या इस तरह का बनता है यार ऑनेस्टली बताना यार अच्छा जी आज की वीडियो बस इतनी होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो मैं बहुत टाइम से कह रही थी कि मैंने बनानी है और मैंने फाइनली बना ली और अब आप लोगों को जो है वो आज अपलोड होती हुई भी मिल जाएगी इंशाल्लाह क्योंकि मैंने आज ही एडिट किया और मैं आज ही अपलोड कर दूँगी और इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्लॉग्स आ रहे हैं ना मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारी गुड न्यूज़ शेयर करनी है क्योंकि यार इतना कुछ है बताने के लिए इतना कुछ बताने के लिए ना और सब अच्छी अच्छी न्यूज़ है माशाल्लाह तो उसके ऊपर भी ब्लॉग्स दुआ करें कि जो है ना मुझे हिम्मत मिल जाए और मैं सारी चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ और इसके अलावा यार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर जरूर कर दें ठीक है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है फिलहाल आप ये जो मेरे आर्टिकल्स हैं इन्हें देखें क्योंकि मेरा जो एस एन है मेरा प्यारा दुलारा ये तो मस्त है ना जाके देखना ही देखना है लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पे जाएं आप लोग खरीदें पहनें और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा क्वालिटी की जो है वो मेरी तरफ से गारंटी है इसके अलावा कॉफ़ी जो है बनाएं और पिएँ और जब जब मेरा व्लॉग अपलोड होगा तो आप लोगों ने कॉफ़ी अपने हाथ में लेनी है उसे पीना है और व्लॉग देखना है कॉमेंट करना है बताना है कि कैसा लगा ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखें टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज